चुनाव बीतने के बाद अब देश के अलग अलग राज्यों में महंगाई बढ़ने की शुरुआत हो गई है। कर्नाटक एक बार फिर से सामने आ गया है। फ्यूल यानी पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा होने के बाद कर्नाटक में दूध भी महंगा हो गया है। ऐसे इजाफे के बाद आम लोगों की जेब में बोझ बढ़ना तय माना जा रहा है। इससे पहले अमूल और मदर डेयरी ने भी दूध के दाम में इजाफा किया था। इस इजाफे का प्रमुख कारण प्रोडक्शन को बताया जा रहा है, जो कि बीते 18 महीनों से लगातार बढ़ रहा है। आइए देखते हैं कि आखिर कर्नाटक में दूध कितना महंगा हो गया है। दरअसल कर्नाटक में फ्यूल की कीमतों में बढ़ोतरी के कुछ दिनों बाद कर्नाटक मिल्क फेडरेशन ने मंगलवार को दूध की कीमतों में इजाफा करने का ऐलान कर दिया। दूध की नई कीमतें बुधवार से लागू हो जाएंगी। आंकड़ों के मुताबिक बुधवार से नंदनी दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति पैक की बढ़ोतरी की जाएगी। हालांकि उपभोक्ताओं को अब 50 मिलीलीटर अतिरिक्त दूध मिलेगा, क्योंकि 500 मिलीलीटर दूध के पैकेट के स्थान पर अब 550 मिलीलीटर वाले पैकेट आएंगे और 1 लीटर वाले पैकेट के स्थान पर 1.05 लीटर वाले पैकेट आएंगे। कर्नाटक में दूध की कीमतें आखिरी बार जुलाई 2023 में बढ़ाई गई थी। अब जिस 500 मिलीलीटर टोंड दूध की कीमत 22 रुपए और 1000 मिलीलीटर पैकेट की कीमत 42 रुपए थी, अब 550 मिलीलीटर और 1050 मिलीलीटर की कीमतें क्रमशः 25 रुपए और 44 रुपए होगी। इसी तरीके से जिस शुभम का 500 मिलीलीटर दूध का पैकेट 23 रुपए का था, अब 550 मिलीलीटर के पैकेट की कीमत 25 रुपए होगी। इसी तरीके से 1050 मिलीलीटर की कीमत अब 50 रुपए होगी, जो कि पहले 1000 मिलीलीटर दूध की कीमत 48 रुपए थी। इस इजाफे का असर नंदनी के सभी पैकेटों पर पड़ेगा, जिसमें टोंड दूध, डबल टोंड दूध, होमोजेनाइज्ड टोंड दूध और होमोजेनाइज्ड गाय का दूध, विशेष दूध, शुभम दूध, समृद्धि दूध, होमोजेनाइज्ड शुभम दूध शामिल है। वहीं अन्य जगहों पर अमूल और मदर डेयरी ने 3 जून से अपने दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी। दूध की बढ़ती कीमतों का प्रमुख कारण प्रोडक्शन कॉस्ट में इजाफा है, जो 1 साल से अधिक समय से बढ़ रहा है। वहीं कर्नाटक सरकार ने हाल ही में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। पेट्रोल के लिए बिक्री पर 25.92% से बढ़कर के 29.84% हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप 3 रुपए की वृद्धि हुई है। डीजल के लिए यह 14.34% से बढ़कर 18.44% हो गया है, जो 3.02 रुपए की वृद्धि है। जिसके बाद कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में पेट्रोल के दाम 102.86 रुपए और डीजल की कीमत 88.94 रुपए प्रति लीटर हो गई है। इस कदम के विरोध में भाजपा के नेतृत्व में विपक्ष ने विरोध प्रदर्शन किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, द लीडर, हिंदी।